Hey guys, what's everybody? Welcome back to my new another and interesting video. So guys, आज कोई वर्कआउट नहीं होने वाला. आज आप लोगों को कुछ टिप्स देना है. आप लोगों को जैसे कि दिख रहा है अभी ठंडा का मौसम आ चुका है, तो आप लोगों को अपना इस ठंडा का मौसम में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग अपना बॉडी का वेट गेन कैसे करें इस ठंडा का मौसम में. ये आम सा बात है. आज इस वीडियो में मैं कुछ थोड़ा सा टिप्स देने वाला हूँ जो कि आप लोग थोड़ा सा अगर वर्कआउट और डाइट को थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे तो आप लोगों का इस ठंडा का मौसम में भी आप लोगों का वेट गेन होगा. सबसे पहला बात तो आप लोग जो भी नेचुरल जो आप लोग वर्कआउट करते हैं डेली का जो भी करते हैं बेसिकली अगर फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं तो उसे अच्छे से कीजिए. मतलब अपने बॉडी को अच्छे से अपने मसल्स को थोड़ा सा उसे ब्रेक डाउन कीजिए. अच्छे से थोड़ा सा जो वर्कआउट करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए. सेकेंड बात है आप लोग दिन का जितना कैलोरीज लेते हैं, सोचिए कि अगर आप लोग दिन का 1500 कैलोरीज लेते हैं तो आपको उसे पूरा दिन में उसे 1700 या फिर 2000 कैलोरीज तक ले जाना पड़ेगा. मतलब कि आपका कैलोरी का इंटेक आप लोगों को बढ़ाना होगा. और ये वर्कआउट बोल रहे हैं, अगर आप लोग अपने वर्कआउट में हिंदू पुशअप बोलता है इसे दंड भी कहते हैं जो पहलवान लोग ज़्यादातर मारते हैं, इससे अगर आप लोग अच्छे से कर पाएंगे तो आप लोगों का फुल बॉडी आप लोगों का पूरा अच्छे से वर्कआउट मतलब वार्म अप हो जाएगा. आप लोगों का मसल्स भी ब्रेक डाउन होगा. ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है. बाकी तो आप लोग जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं पुलअप पुशअप जो भी कर रहे हैं जो जिम जाते हैं सब कुछ करते रहिए, लेकिन अगर ये जो मैं बोल रहा हूँ इस वर्कआउट को भी अगर आप लोग ऐड कर पाएंगे तो आप लोगों का ये मतलब बॉडी का वेट ठंडा के मौसम में गेन करने में बहुत हेल्प देगा. और इसके साथ अब जो मैं डाइट का बताने वाला था इसमें क्या करना है, आप लोगों को मेनली अपने डाइट में एक तो है कि कैलोरी का सरप्लस में जाना यानी कि कैलोरीज को इनटेक को बढ़ाना है, और उसमें आप लोगों को मेनली रखना होगा गुड फैट्स और प्रोटीन. ये दोनों चीज़ आप लोगों को रखना होगा. ये गुड फैट्स और प्रोटीन जिस खाने से आप लोगों को मिल सकता है उसे थोड़ा सा ज्यादा करके लीजिएगा. गुड फैट्स आप लोगों का बॉडी का वेट इस ठंडा का मौसम में गेन करने में हेल्प करेगा, और प्रोटीन तो आप लोगों को पता ही है आप लोगों का जो मसल टिश्यूज जो ब्रेक डाउन होगा उसे रिकवर करेगा, तो जो कि आप लोगों का साइज धीरे धीरे गेन करेगा. सबसे बड़ा बात डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप लोगों का अच्छा होना ही चाहिए. मतलब ठंडा का मौसम में बहुत जन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से आप लोग अच्छा रख सकते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाके आप लोग फॉलो कीजिए. और ये जो मैंने जो टिप्स बताया इसे थोड़ा सा मेंटेन कीजिए तो आप लोगों का ठंडा का मौसम में भी आप लोगों का बॉडी का वेट गेन होगा. तो होपफुली गाइस आप लोगों को जो टिप्स बताया और जो वर्कआउट मैंने खुद पर्सनली आप लोगों को मतलब जो बोला कि करने के लिए अगर इसे आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करते तो आप लोगों का ठंडा का मौसम में भी आप लोगों का बॉडी का वेट गेन होगा. बाकी तो आप लोग जो कर रहे हैं उसे करते रहिए. और इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, उसे ऑन करना मत भूलिएगा. चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.